हेलो एवरीवन मैं हूं फरा कलीम और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल राइजिंग गिड और राइजिंग गिट पर हम लोग वॉल हैंगिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें फ़्लावर्स जो हैं उसको मैं आपको सिखाऊंगी डिफरेंट कलर्स के फ़्लावर्स को हमने यूज़ किया है इसमें और जो पैटर्न पिक है वो आ, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया कि फेसबुक की है तो उसको देखकर तो फिर हम लोग आ, जो है वो ये वॉल हैंगिंग बना रहे हैं और उसमें ये तमाम कलर्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं एक ट्री को क्रिएट करने में कलरफुल ट्री को तो ये अब हम लोग फ्लावर जो है इसको आ, स्टार्ट करेंगे टू कलर्स से हमारा वन फ्लावर जो है वो रेडी होता है हुक नंबर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ थ्री एम एम और वूल जो है वो थ्री प्लाई यूज़ कर रही हूँ बेस्ट है कि आप लोग थ्री प्लाई वूल यूज़ करें और जो एजिंग है या बॉर्डर है उस पर आप थिक यान यूज़ कर सकते हैं मिड के पार्ट के लिए और एजिंग के लिए और वैसे फोर प्लाय से ये फ्लावर इतना अच्छा नहीं बनेगा हम सबसे पहले ले, ले लेंगे स्लिप मैजिक सर्कल और मैजिक सर्कल सर्कल में हम लोग बनाएंगे एट एससी यहां आपको ले लेना है सबसे पहले मैजिक सर्कल और मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम सर्कल के मिड में एट एससी कर लेंगे वन टू थ्री Four, five, six, seven और eight. एट एस सी करने के बाद हम अपने मैजिक सर्कल को क्लोज कर लेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे है वहाँ पर हम लोग स्लिप स्टिच करेंगे और इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग जॉइन कर लेंगे नेक्स्ट हमने एनडीसी सी टुगेदर करना है मैं यहाँ पर चेन्स टू से स्टार्ट करूँगी और कंप्लीट नहीं करूँगी उसको और नेक सेम उसी स्टिच में जाऊँगी और पहले हाफ़ कंप्लीट करूँगी स्टिच को इन दोनों में से गुजार के तो हम लोग ये टू डीसी जो हैं वो हमने टुगेदर कर लिए ये करने के बाद चेन वन करके मैं इसको क्लोज कर दूंगी और यहाँ पर चेन टू जो है उसका गैप दूंगी और नेक्स्ट स्टिच में भी हम टू डी सी टूगेदर करेंगे हाफ़ डी सी कम्प्लीट करेंगे फिर से बल लेके सेकेंड हाफ डी सी कम्प्लीट करेंगे और चेन वन करके क्लोज कर देंगे और मिड में हम टू डीसी का गैप देंगे तो हर चेन में हमने इसी तरह वर्क करना है और टू डी सी टूगेदर करने हैं चेन वन करके क्लोज करना है और टू डीसी का हमने गैप देना है तो ये हमारे पास एट स्टिचेस थे तो ये हमारे पास मिड वाली जो पेटल्स हैं वो एट बन जाएंगी जी ये मैंने एट पेटल्स जो हैं वो मिट की कंप्लीट हो गई हैं और एंड पर जब हम लोग आएंगे तो ये स्लिप स्टिच है इसमें हमने वर्क नहीं करना यहाँ पर मैं टू चेन्स करूँगी और जो सबसे पहले आ, हमारा डी सी टूगेदर का स्टिच है उसके साथ इसको ज्वाइन कर दूँगी तो ये हमारा सर्कल जो है वो मिट का रेडी हो गया है और अब हम यहाँ पर यान को कट कर देंगे और जो हमारी सेकेंड कलर यार्ड है उससे हम लोग आगे वर्क करेंगे स्लिप नोट मैंने लगा ली है और कहीं पे भी किसी भी गैप में से हम लोग इसको सेकेंड कलर ऑफ यार्न को अटैच कर लेंगे और अटैच करने के बाद यहाँ पर मैं डी सी थ्री टुगेदर से स्टार्ट लूंगी पहले हम चेन थ्री करेंगे और चेन थ्री करने के बाद यहाँ पर मैं टू डी सी टुगेदर मजीद करूँगी तो ये मेरे पास थ्री डी सी का फर्स्ट स्टिच हो गया इसके मिड में मैं यहां पर इसको क्लोज करूंगी और थ्री स्टिचेस करूंगी वन टू थ्री थ्री चेन्स मैंने कर ली और नेक्स्ट उसी में सेम उसी में मैंने थ्री डी सी टूगेदर करने हैं और ये हमारे पास एक शेल सी क्रिएट हो जाती है फ्लावर की पेटल्स भी कह सकते हैं आप यहां पर इसको चेन वन करके क्लोज करेंगे और जब हम नेक्स्ट उसमें जाएंगे गैप में तो हम इनके बीच में चेन्स गैप नहीं करेंगे यहां पर फिर से थ्री डी सी टूगेदर होगा और थ्री डी सी टूगेदर करने के बाद हम चेन वन करके क्लोज करेंगे और मिड में चेन थ्री का गैप देंगे और सेम उसी स्पेस में हम थ्री डी सी टुगेदर फिर से कर लेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो जब एक स्पेस में आप वर्क कर रहे हैं तो वहां पर आपने थ्री डी और फिर उसको क्लोज करना है चेन से फिर थ्री चेन्स और फिर थ्री डी और चेन से क्लोज करना है तो इस तरह हम लोग जो है वो ये पार्ट कंप्लीट करेंगे सारा राउंड में और मैं इसके यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाऊंगी जी ये राउंड में हमने वर्क कर लिया है और अब मैं यहाँ पर जो फर्स्ट डीसी टुगेदर का स्टिच ऊपर वाला फ्रंट में बनता है वहाँ पर इसको क्लोज कर दूँगी तो हमारे हर चेन के स्पेस में जो है वो ये जो स्पेसेस थी इनमें हमने टू टू पेटल्स कह सकते हैं वो बनाई हैं और उसके अंदर जो स्पेसेस गैप्स हैं वो अभी भी हमारे पास एट ही बनते हैं यहाँ पर जब मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है तो इसको मैं इन दोनों के मिड में जहां पर ये बिल्कुल एक साथ जुड़ रही हैं पेटल्स हाफ डी सी कम्प्लीट करना है और जो मिड में चेन स्पेस है हमारे पास यहां पर मैं सिक्स सॉरी एट डी सी कंप्लीट करूंगी टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो ये एट डी सी कम्प्लीट करने के बाद फिर से ज्वाइन वाले आ गए हैं और इसके मिड में, में हमने हाफ डी सी कम्प्लीट करना है नेक्स्ट स्पेस में फिर से हम एट डी सी करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट और ये करने के बाद मिड वाले में हमने वन हाफ डी सी कम्प्लीट करना है ऐसे हम लोग सारी स्पेसिस में सेम इसी तरह कम्प्लीट कर लेंगे और हमारे पास ऐसे हमारी पेटल्स लास्ट वाली बन जाएंगी जी ये हमारा कंप्लीट हो चुका है राउंड और यहाँ पर जो हमने स्टार्ट किया था वो हाफ डी सी से किया था तो हाफ डी सी के ऊपर वाले स्टिच पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पर यान को हम लोग कट कर लेंगे और फिर से हमने जो मिड में यूज़ किया था फर्स्ट वाला यान कलर उसको अटैच करेंगे और हम लोग बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे फ्लावर की एजिंग किसी भी पेटल के स्टार्ट पॉइंट से हम लोग अटैच आट, करेंगे अपनी यान को और ये देख ले हैं आपके ये वाली यार्न मेरी प्लाई है तो इसको मैंने मिड में और एजिंग में यूज़ किया है जो इंस्पायर की पिक्चर है हमारी वो जो है उसके सेम कलर्स रखने की मैंने कोशिश की है अगर कोई ये डिफरेंट कलर्स रखना चाहे डिफरेंट कम्बिनेशन से फ्लावर बनाना चाहे या उनके पास जो भी लेफ़्ट ओवर वूल पड़ी है उसके मुताबिक बनाना चाहे तो वो बना सकते हैं आ, अगर सिर्फ एक ही कलर टोन से बनाना चाहें तो उससे भी ये कंप्लीट हो सकता है मैंने यहाँ पर एस कर लिया है एट एस होंगे हमारे क्योंकि हमारी पेटल में एट आ, सिंग आ, डी सी के स्टेजेस हैं और जो मिड में हमारे हाफ डीसी सी हैं वहाँ पर हमने हाफ़ डीसी सी ही करना है और आपने इसको लेके जाना है यहाँ इस गैप में फर्स्ट में जो हमारे पास पेटल्स का गैप था वहाँ पर हम लोग इसको लेके जाएंगे और वहाँ से हम लोग लूप लेके तो इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास ये जो है ये लंबा एजिंग क्रिएट होगी इस तरह से जितनी भी टेल्स थी मैं उनको बीच में अच्छे से नीटली सिक्योर करते जा रही हूँ साथ साथ और इसी तरह आप लोगों ने भी टेल एंड्स को बीच में कर देना है पेटल्स की एजिंग में हम वर्क करते हुए उनको अंदर सिक्योर कर देंगे हम डायरेक्ट जाएंगे जो शुरू में हमारे पास थ्री डी सी टूगैदर वाली स्पेसिस के मिड में जो जगह है वहाँ पर और यहाँ पर हम हाफ़ डी सी को कम्प्लीट करेंगे तो अब हम तमाम पेटल्स में इस तरह से वर्क कर लेंगे और इसको कम्प्लीट कर लेंगे फ़्लावर को